एक धुन आई है और सैया दिलदार, सैया दिलदार डर ना डरार और डर ना रे नर नार झनकार रस्ते रस्ते और ढूंढे तेरा प्यार रस्ते और पायल की झनकार रस्ते रस्ते और ढूंढे तेरा पारस पुरुष महान, अरे पारस पुरुष महान कर बलिदान और जाने सकल जहान हस्ते। भगवान भोलेनाथ का भी दरबार है यार, हम चाहते हैं कि सभी के चरणों में हाजिरी लग जाए हमारी, इसीलिए लाइन आई। पारस पुरुष महान कर बलिदान ओ जाने सकल जहान हस्ते। ओ भगवान भोलेनाथ देवों से महादेव बने कैसे, देवों में महादेव कैसे बन गए, सुने कि परहित का कर ध्यान हस्ते हस्ते, परहित का कर ध्यान हंसते हंसते ओ कर गए विष का पान हंसते। जो जहर पी जाए वही तो महादेव है, जो जहर पीने की क्षमता जिसमें हो, चाहे वो योग हो चाहे यो हो, यो कोई भी हो, परहित का कर ध्यान हंसते हंसते ओ कर गए विष का पान हंसते। और ये लाइन बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, पूजनीय माता दी जी विश्वकर्मा दादा की ओर से लाइन हमें प्राप्त हुई है, सुने आप। सभी लोग जानते हैं शंकर भगवान ने एक बार जहर पिया है, लेकिन हमारी समझ से शंकर भगवान ने तीन बार जहर पिया है, सुने आप कब कब पिया। एक बार सबने सुना है कालकूट सिंधु मंथन से बाहर आ गया, एक बार कालकूट सिंधु मंथन से बाहर आ गया, अवनि से अंबर तक जहर छा गया, फिर सुर और असुरगढ़ सारे घबरा गए, पान उपचार तब शिव शरण आ गए। और जब सब पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास, समुद्र मंथन में जो भी जितने सामान निकले हैं, रत्न निकले हैं, सबने अपने हिसाब से बांट लिए, जहर लेने कोई तैयार नहीं हुआ। और जब सब पहुंचे भोलेनाथ के पास तो क्या किया, सो भोले कृपा निधान, सो
करते सुर गुणगान हंसते सुकर गए जग उत्थान हंसते हंसते। जहर को बड़ा घमंड हो गया था कि सारी सृष्टि को हम नष्ट कर देंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा कर गए जग उत्थान हंसते हंसते कर गए विस्तार पान दूसरी बार जहर का पिया शंकर भगवान सुने आप। फिर जहर पिया लेकिन कब? नंदलाला के क्रीड़ा नंदलाला के क्रीड़ा की पाके सूचना कंस ने भेजी दुष्टा अधमो पूतना। फिर भगवान भोलेनाथ का काम आया। अच्छा भगवान कन्हैया पूतना का जहर भरा दूध पीने लगे तो भगवान कन्हैया ने विनती की शंकर भगवान से, भगवान ये तुम्हारा काम है, तुम्हारे स्टाफ का काम है, ये डिपार्ट हमारे पास नहीं है भगवान, इतना कला हम जानते हैं, ये कला केवल आप जानते हैं महाराज, पधारे निमंत्रण है। आई थी अपने स्तन जहर भर के वो आई कान्हा ढिन ममता लहर भर के वो और भगवान कन्हैया ने भोलेनाथ का ध्यान लगाया तो भगवान भोलेनाथ आए और कन्हैया के मुख में बैठकर पूतना का जहर भरा दूध पी गए। दूसरी बार जहर पिया तो हर लिए उसके प्राण हर लिए उसके प्राण अरे हर लिए उसके प्राण हंसते। और भगवान कन्हैया ने पूतना का दूध पीकर उसको मां का दर्जा दिया, मां का दर्जा देकर उसका उद्धार कर दिया भगवान कन्हैया। सुख कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते अरे कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते ओ कर गए जग कल्याण। और आखिरी बार सुने आप, तीसरी बार फिर शंकर भगवान ने जहर पिया। नाम मीरा जो राजपूतों की रानी थी तीसरी नाम मीरा जो राजपूतों की रानी थी त्याग सब श्याम की प्रेम दीवानी थी उनके परिजन ने ढाए है उन पर कह मारने उनको राणा ने भेजा है। और जैसे ही मीराबाई जहर पीने लगी तो भगवान कन्हैया ने फिर शंकर जी का ध्यान लगाया कि महाराज
वो प्रेम में मगन है, भक्ति में मगन है, और भक्त का कुछ अहित हो जाएगा तो फिर भगवान कब काम आएंगे, किस काम के भगवान? अगर भगवान है तो भक्तों की वजह से है। फिर कन्हैया जी ने ध्यान लगाया तो फिर भोलेनाथ आए, और फिर मीरा के मुंह में बैठकर भगवान भोलेनाथ फिर जहर पी गए। तो कर कान्हा का ध्यान, कर कान्हा का ध्यान, शक्ति महान सुकुल का किया उत्थान, हंसते सुजलज करें गुणगान, हंसते हंसते जलज करें गुणगान, हंसते हंसते कर गए जग कल्याण, हंसते परहित का कर जान, हंसते हंसते कर गए।